उत्तर प्रदेश में आज यूपी बोर्ड की परीक्षाएं सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में हुई। आगरा में 146 लाख विद्यार्थी परीक्षा देंगे। परीक्षा में 77,563 विद्यार्थी होंगे। हाई स्कूल की परीक्षा जिसमें 40,987 लड़के और 30,570 लड़कियां होंगी, वहीं 68,843 विद्यार्थी होंगे। इंटर की परीक्षा जिसमें 41,440 लड़के 27,352 लड़कियां होंगी। यूपी बोर्ड हाई स्कूल और इंटर की परीक्षा शुरू हो गई है। आगरा में आज यूपी बोर्ड की परीक्षा का शुभारंभ हो गया है। शिक्षा विभाग, पुलिस और प्रशासन के द्वारा नकल विहीन परीक्षा के दावे की तैयारियां। परीक्षा 2018 उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की बोर्ड परीक्षा में पहले दिन गृह विज्ञान का पहला पेपर हुआ। परीक्षा 6 फरवरी से 12 मार्च तक चलेंगे। जनपद के 187 केंद्रों में 146,406 से अधिक छात्र छात्राएं परीक्षा देंगे। यूपी बोर्ड की परीक्षा में सरकार ने नकल को बाहर करने का ऐलान किया है। नकल की बदनामी का दाग दूर करने को माध्यमिक शिक्षा विभाग और प्रशासनिक अफसरों को चुनौती का सामना करना पड़ेगा। पिछले वर्षों में सर्वाधिक नकल होती रही है। इसमें प्रशासन को दावे की हकीकत तो खुलेगी ही, लेकिन नकल माफिया की रणनीति भी उजागर हो जाएगी। इस बार हाईस्कूल इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा में सबसे विशेष रूप से हर कमरे में कैमरे लगाए गए हैं, रिकॉर्डिंग की व्यवस्था की गई है और बहुत ही सख्त तरीके से उनकी जो 3 घंटे की रिकॉर्डिंग होगी उसका पेन ड्राइव में रिकॉर्ड करके जिलाधिकारी से कार्यालय में जमा करना है। इसके अलावा गार्ड की व्यवस्था की गई है, हर कमरे में व्यवस्थाएं की गई, इसी तरह से बच्चे सही तरह बैठे, कोई दिक्कत किसी प्रकार नहीं आनी चाहिए। सर, उसके लिए पुलिस प्रशासन बैठा हुआ है बाहर गेट पर। विद्यालय से 200 मीटर की दूरी तक कोई वाहन भी, कोई आदमी खड़ा नहीं होगा। किसी प्रकार से 44 लागू है, किसी प्रकार से कोई समस्या नहीं आनी पाएगी। जी, परीक्षाएं योगी जी की सरकार है और जो कुछ है उन्होंने बोल दिया, सीसी फुटेज होना चाहिए, इंटरकॉम की व्यवस्था होनी चाहिए, जो कि हमारा सब कुछ है और 10 रूम चल रहे हैं, 10 में कैमरा की व्यवस्था लगी हुई, कैमरा की व्यवस्था की गई है, आप देख रहे हैं काफी है। जी, ऐसा सुनवाई में आया है, इसकी जो DIOS कनेक्टिविटी होगी, DM देखेंगे, BSA, DIOS वगैरह वो ऑनलाइन देखेंगे। न्यूज दर्पण 24 के लिए आगरा से भास्कर चौहान की रिपोर्ट।